ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपर धर्मशाला पंजीकृत के अध्यक्ष अश्विनी बम्बा ने बागसू नाग में एसोसिएशन की जनरल हाउस में ऐलान किया कि नई कार्यकारिणी का चुनाव 22 दिसंबर को होने वाली एजीएम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में होगा और होटल एसोसिएशन की चुनाव समिति भी साथ होगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपर धर्मशाला पंजीकृत के अध्यक्ष अश्विनी बाबा ने बागसू नाग में एसोसिएशन की जनरल हाउस में ऐलान किया कि नई कार्यकारिणी का चुनाव 22 दिसंबर को होने वाली एजीएम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में होगा और होटल एसोसिएशन की चुनाव समिति भी साथ होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी सदस्य चाहे वे नाराज हों उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने आगामी 15 दिनों के लिए सदस्यता से भी अपील की है कि जो नए सदस्य एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं वे 15 दिनों के भीतर अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपर धर्मशाला ने जनरल हाउस का आयोजन किया जिसमें होटल रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस सभी तरह के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने इस हाउस में एकमत निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ 22 दिसंबर को होटल क्लब हाउस में जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पूर्ण योजना थी और पहले भी डिसाइड किया गया था कि 21 नवम्बर को जनरल हाउस बुलाया जाएगा जिसमें आगामी चुनावों की तिथि का सभी सदस्यों से चर्चा कर ऐलान किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर एक दिन पहले अलग अपनी कार्यकारिणी बनाकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलकर होटल और पर्यटन कारोबार के लिए काम करेंगे, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को भी शामिल किया जाएगा। की बैठक हुई है होटल एसोसिएशन की, क्या निर्णय लिया गया और कब होटल एसोसिएशन के चुनाव कराए जाएंगे? जितने भी हमारे होटल एसोसिएशन के मेंबर हैं 100% उपस्थिति रही और 100% यूनानिमस डिसीजन ले गए। सबसे पहले डिसीजन ये लिया गया कि जो कुछ लोगों ने इलीगल अनऑथराइज वे से मीटिंग की और अपने आप को ऑफिस वगैरह बताया उसका विरोध किया गया और उनको उनके गलत तरीके से काम के रोकने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और लीगल एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। नंबर टू, ये डिसाइड किया गया कि होटल एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग फिक्स की जाए, वो 22 दिसंबर को क्लब हाउस बाग मैकलोडगंज में फिक्स हुई है शाम को 4 बजे। उस एजीएम के अंदर 3 कार्य किए जाएंगे। नंबर 1, होटल एसोसिएशन मेंबरशिप की एक वेरीफाइड लिस्ट वो पेश की जाएगी। होटल एसोसिएशन के 2019-20 के जो अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिटेड रिपोर्ट वो पेश की जाएगी। नंबर 3, होटल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शन किए जाएंगे। उसके बाद ये भी निर्णय ले गया कि चुनावों के लिए कोई चुनाव समिति का भी गठन किया गया। हाँ जी, चुनाव समिति का गठन किया है जी। हम इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया को बिल्कुल इम्पार्शियल और करवाना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक 3-मेंबर कमेटी को गठन किया है जिसमें हमारे सीनियर होटलियर इंद्र ठाकुर जी हैं, हमारे ओंकार नेहरिया जी जो होटल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और डिप्टी मेयर भी हैं वो हैं, और तीसरा मिस्टर गुलेरिया है मैकलोडगंज में, उनको किया है। इसमें जो राजेंद्र ठाकुर जी है वो रिटर्निंग अफसर होंगे, इलेक्शन प्रक्रिया को स्मूथली वो करवाएंगे और उसका रिजल्ट भी वो डिक्लेयर करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो फिलहाल माहौल चल रहा है उसमें इलेक्शन की इम्पार्शलिटी इंडिपेंडेंट 100% हो। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वो एडीएम साहब या डीसी साहब एफटी साहब की रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी उपस्थिति के अंदर ये इलेक्शन हो ताकि कोई संशय ना रहे किसी को।